अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, डूइंग गुड एंड विल बी सेफ। ओके स्टूडेंट्स, एज वी हैव रीड द लेसन नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। स्टूडेंट्स, आई टॉट द यूनिट एंड एक्सप्लेन इट विद क्वेश्चन आंसर्स, एंड नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्लॉसरी एंड यू हैव टू राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश एज वेल। I will tell you the meanings in Urdu. Ancestor, distant relation, somebody is descended from. Yani forefathers mean abau ajdad. Destitute ka matlab hota hai muflisi, with no money or possessions, yani jiske paas koi bhi cheez na ho ya paise wagaira na ho, you can say in short poor. Equitable, munsifana ya insaaf pasand, fair, firm, पुख्ता, डेफिनेट, फर्म, पुख्ता, डेफिनेट। फो, दुश्मन, एन एनिमी इन बैटल और वॉर, मीन ओपोनेंट। इंटरसीट, टू स्पीक इन स्पोर्ट और समबडी इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट, इट्स मीन सिफारिश, टू स्पीक इन स्पोर्ट ऑफ समबडी और ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंस और इफेक्ट्स, यानी अहमियत, यानी हामिल, किसी भी किस्म की खूबियों का हामिल शख्स। ओ, हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी, यानी किसी की कोई चीज देनी हो या कोई पैसे वगैरह देने हो। रिवेंज, इंतकाम, समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू, यानी आप किसी को मतलब सजा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं इस बदले के लिए कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया हो। सीक टू गेट मतलब हासिल करना। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू वोकैबुलरी। गिव द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। वी हैव टू राइट द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। मॉडल इट हैज सेवरल मीनिंग्स, फॉर एग्जांपल रेप्लिका, कॉपी, रिप्रेजेंटेशन, मोल्ड एटसेट्रा। मोल्ड मीन के जिसको हम एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं, मतलब उसकी पैरवी करने के लिए किसी शख्स को हम चुन लेते हैं, उसको हम मॉडल कहते हैं। एक तो किसी शख्स के लिए ऐसे यूज होता है, और फिर किसी चीज की कॉपी करना मतलब उसी तरह बनाना, उसी तरह का एक मॉडल बनाना। पाइटी, तकवा, मतलब प्रेजगारी या अच्छाई, तो इट मीन्स गुडनेस। इटर्नल, नेवर एंडिंग, मतलब अबदी, ना खत्म होने वाला, यू कैन से एवर लास्टिंग। अर्नड, कमाना या हासिल करना, मेक। सरमन, खुतबा, तो यू कैन से इन इंग्लिश लेक्चर। रिवेंज इल विल, पॉइजन या हैविंग हेट इन समवन्स हार्ट, मतलब किसी के लिए अपने दिल में नफरत रखना या इंतकाम का जज्बा रखना, इल विल। कमांडमेंट, हुक्म, डायरेक्टिव और ऑर्डर। अपहेल्ड, कायम रखना, स्पोर्ट, यानी अपहेल्ड मतलब उसकी बालादस्ती को कायम रखना। डेस्टिट्यूट, मुफलिस, पुअर, हैविंग नो मनी और पोजेशन, एज वी हैव रीड इन दीज वर्ड्स। प्रोक्लेम्ड, स्टेट पब्लिकली और अनाउंस्ड पब्लिकली, टू स्टेट पब्लिकली और अनाउंस्ड पब्लिकली, यानी आम तौर पर मतलब अवामी सतह पर या खुल्लम खुला किसी चीज का ऐलान करना या बयान करना। ट्रांसेंड्स, एक्सीड, यानी बुलंद, उबूर करना, ज्यादा करना, बुलंद करना, एक्सीड, ट्रांसेंड्स मीन एक्सीड। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू मूव टू पार्ट बी। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनियम मीन्स मतरादिफ या हम मानी अल्फाज। सो द फर्स्ट वर्ड इज इक्विटेबल। इक्विटेबल मीन मसावी। फेयर, मसावी, जस्ट, इंसाफ, इक्वल, बराबर। सो द नियर वन मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज फेयर। नेक्स्ट वन, एंसेस्टर। एंसेस्टर मीन अबाउजदाद, एंटीसीडेंट, साबका, फोरफादर, अबाउजदाद, प्रीडिसेसर, पेशरो या साबका। द नियर वन इज फोरफादर, इट मीन्स अबाउजदाद, बिकॉज बोथ हैव सेम मीनिंग्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फो मीन्स दुश्मन, रिलेटिव, रिश्तेदार, एनिमी, दुश्मन एंड फ्रेंड, दोस्त।
सो द सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड इज एनिमी. नेक्स्ट वन इज फर्म. फर्म एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट. एक्सपेंसिव महंगा, पावरफुल ताकतवर, परसिस्टेंट मुस्तहकम या मुस्तकिल मिजाज. तो फर्म ऑल्सो मीन्स मुस्तकिल. फर्म परसिस्टेंट, फर्म परसिस्टेंट. ग्लोरियस शानदार, लस्ट्रियस चमका हुआ या रोशन. स्प्लेंडिड शानदार, फैबुलस हैरत अंगेज. सो द सिनोनियम ऑफ ग्लोरियस इज स्प्लेंडिड. कम टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स. पार्ट सी, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज द फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेज. यू कैन मेक डिफरेंट सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. द फर्स्ट वन इज गिल्टी. गिल्टी मीन मुजरिम होना. इंटू इंग्लिश, कल्पेबल ऑफ गिल्ट या ब्लेमेबल. शी इज स्टीलिंग ऑफ गिल्टी. बिलोंग टू, बिलोंग टू, बी द प्रॉपर्टी ऑफ और हैविंग पोजेशन ऑफ समथिंग. दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू अली. एक्सचेंज फॉर गिव और रिसीव फॉर इन प्लेस. एक्सचेंज फॉर गिव और रिसीव फॉर इन प्लेस यानी बदले में. वी हैव न्यू केमिस्ट्री टीचर एक्सचेंज फॉर ओल्ड वन. In accordance with, according to, mean के मुताबिक. You have to complete your work in accordance with your teacher instruction. Okay students, now we have to come towards reading comprehension, analysis of patterns of text organization. It means we have to answer the questions about paragraph or according to the text. A, choose the correct option. In paragraph 1, the dash details of the Rasool sallallahu alaihi wasallam characteristics are given. यानी paragraph 1 में हमें क्या बताया गया है, हजरत मोहम्मद sallallahu alaihi wasallam की किन खूबियों के बारे में बताया गया है. General, specific, chronological. Chronological mean तारीखी, specific mean मखसूस किस्म की, और general इब्तदाई तौर पर जो खूबियां बयान की गई हैं, तो it means general. द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 इज दैट. यानी की आइडिया पैराग्राफ नंबर 2 का क्या है, यानी थीम उसका जो मेन टॉपिक था. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ओरेटर. बी ऑप्शन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. सी ऑप्शन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत. यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से पहले भी जो थे वो इंसाफ पसंद थे. तो हमारे पास इसका आंसर सी ऑप्शन है. एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शो दैट. यानी पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में क्या बताया गया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सिंपल मैन. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग्स. तो हमारे पास इसका आंसर ए ऑप्शन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रियासत के एक इंसाफ पसंद सरबरा थे. ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 4. पैराग्राफ नंबर 5 शोज दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. द जस्टिस ऑफ द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत. तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, द जस्टिस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ गैर मुस्लिम लोगों के लिए भी अमन का जरिया था और तहफ्फुज का जरिया था. नंबर 5, टू होम डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस. व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर. इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ. वी हैव 3 ऑप्शन. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको ये नसीहत की थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु. अकॉर्डिंग टू द यूनिट द आंसर विल बी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु. नेक्स्ट पार्ट बी, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ नंबर 3. टॉपिक सेंटेंस एंड एग्जाम्पल और एविडेंस. एंड इन दिस सेंस वी हैव टू मूव टूवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 3. इज पैराग्राफ नंबर 3, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेज ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस. अप टिल हियर इट इज टॉपिक सेंटेंस मीन स्टेटमेंट, टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ दिस पैराग्राफ. इन दीज लाइन्स वी आर टोल्ड अबाउट द जस्टिस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वी कैन सी इट इज मेन सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ. एंड व्हेन वी विल रीड फ्रॉम, अ वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग.
Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu to intercede on her behalf. Hazrat Usama radhiyallahu ta'ala anhu requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. It means this is evidence of this paragraph. Up till here we can say this is topic sentence and this is एविडेंस मीन किसी भी पैराग्राफ में अगर कोई किस्सा बयान किया गया है तो वो उसका एविडेंस या एग्जाम्पल होगी और जिस चीज़ के लिए एग्जाम्पल दी गई है मतलब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ को बयान किया गया है तो इट मीन्स इट इज टॉप या टॉपिक स्टेटमेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स ग्रामर पोर्शन एंड बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Concrete nouns are simply those nouns that can be experienced physically rather than abstractly. These nouns can be people, places and things. Okay students, now you have to take a look around you and you will see many examples of concrete nouns. And these nouns are experienced with our five senses. Like she put the book on the table and in this sentence book is a concrete noun because we can touch or see it. Abstract noun. Abstract nouns cannot be experienced with our five senses. Abstract noun is a noun that you cannot see, hear, touch, smell, touch or taste. Here we have example of concrete and abstract noun. The revenge of the father cannot be taken on his son. In this sentence, father and son both are concrete noun. The underlined words are concrete or material nouns since they refer to the concrete things. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल देखते हैं. ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस. इक्विटी एंड जस्टिस कैन नॉट बी टच और टेस्ट सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. द अंडरलाइन वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंस दे रेफर टू आइडियाज क्वालिटीज और स्टेट. मतलब ये सिर्फ हमारे ख्यालात पे मबनी है, सिर्फ खूबियों की वजह से हम इसको जो है थोड़ा फील कर सकते हैं लेकिन हम इनको टच नहीं कर सकते या इनको देख नहीं सकते. Like bravery, honesty, wisdom, these are example of abstract noun. Identify whether each underlined word is a concrete or abstract noun. She puts in much effort into her studies as she wants to score good marks. In this sentence, effort and studies both are abstract noun. Now we will move towards next page. They recommended him for his justice and truthfulness. Justice and truthfulness both are abstract noun. Keep the balls in the basket. Balls and basket, we can touch them, see them and feel them. So these are concrete noun. The dishonest trader is losing the trust of his customer. Trader, concrete noun, trust. We cannot experience it with our five senses, so it is abstract noun and customers is also concrete noun. He did not take good care of his pet. Care is abstract noun while pet is concrete noun. Okay students, before moving towards part B, we will discuss about articles. What are articles? Articles are parts of speech which we use during our conversation. It is very important to use appropriate articles. First of all, I will tell you about the types of article and about the use of articles. यानी हम कैसे आर्टिकल्स को यूज करते हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल एंड द अदर इज इनडेफिनेट आर्टिकल. हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं. अ एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स वाइल द इज डेफिनेट आर्टिकल. एंड लेट्स सी हाउ वी विल यूज आर्टिकल अ. यानी हम आ का कैसे इस्तेमाल करेंगे. आ इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एंड एनी कॉमन एंड सिंगुलर नाउन वाइल एन इज यूज बिफोर वॉवल साउंड एंड बिफोर दोज वर्ड्स विच आर नॉट वॉवल बट वॉवल गिविंग साउंड. यानी ऐसे अल्फाज जो या ऐसे नाउन जो एक्चुअली वॉवल से स्टार्ट नहीं होते लेकिन वो जो साउंड है वो वॉवल की देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन और एन ऑनेस्ट मैन. Honest is starting with H and H is silent. You can see an honest man. Honest is giving vowel sound. So we will use an or an empty pot, an umbrella. Moving towards the
The is used before specific things, including names of directions, names of seas, titles, and any universal thing like the sun, the moon, the stars, the earth, etc. For example, the earth revolves around the sun. Next, one more thing is that the is used when in a text we are talking about a common noun, and when it will be repeated, we will use the even before vowel or consonant. यानी किसी भी टेक्स्ट में अगर हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कॉमन है, एक दफा हमने उसके साथ लगाया अ, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, अ डॉग, लेकिन जब हम एक ही टेक्स्ट में उसको रिपीट करेंगे, चाहे वो किसी एनिमल का नेम है, चाहे वो किसी इंसान का है, जैसे कॉमन नाउन हो सकता है अ बॉय, अ गर्ल, एटसेट्रा, तो हम क्या करेंगे, जब उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफाई हो चुका है ऑलरेडी, तो जब हम उसको रिपीट करेंगे तो रिपीट में हम उसमें आ की बजाय द का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ लॉइन इन अ केज. अब यहां हमें नहीं पता कि हम किस लॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक दफा यहां ये स्पेसिफिक हो चुका है हमारे लिए, हम स्पेसिफाई इसको कर चुके हैं, तो जब नेक्स्ट हम इसको यूज करेंगे तो हम इसके साथ द लगाएंगे. जैसे देर वॉज अ लॉइन इन अ केज एंड द लॉइन वॉज वेरी एंग्री एंड वॉन्टेड टू गो टू द फॉरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू पार्ट बी. चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनेट आर्टिकल, अ, एन, अ डेफिनेट आर्टिकल, द और नो आर्टिकल. यानी हमने इन सेंटेंसेज में आर्टिकल्स को यूज करना है, लेकिन कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिसमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है. नंबर वन, ही आस्क मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन. ही आस्क मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से क्वेश्चन के बारे में बात की गई है. ही आस्क मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन. सो हमने यहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज किया. डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क मी वॉज इजी. द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया वो स्पेसिफिक हो चुका है, इसलिए हमने द को यूज किया. हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ. यहां हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, सो वी विल लीव इट ब्लैंक. कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट. कुड यू पास प्लीज पास मी द सॉल्ट. इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर. इज देयर अ गुड, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है, यानी वो कोई भी हो सकता है. डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड. यानी मेरे फ्रेंड का रेस्टोरेंट, तो यहां पे रेस्टोरेंट जो है वो स्पेसिफिक है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द. आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स. यानी मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, हमें यहां पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है. डैश यू ए इज अ ब्यूटिफुल कंट्री. द यू ए, फॉर एग्जाम्पल यहां यूएसए भी आ सकता है, द यूएसए. आई विल सी यू इन डैश वीक. आई विल सी यू इन अ वीक, हमें नहीं पता कौन सा वीक, किस वीक के बारे में बात हो रही है. आई एम ऑन डैश वेकेशन अंटिल मंडे. यहां हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, सो वी विल लीव इट ब्लैंक. कम टूवर्ड्स नाउन फ्रेज. अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. यानी किसी नाउन की जगह जो काम करता है, मतलब एक वर्ड्स का ग्रुप, यानी कुछ अल्फाज को मिला के जब हम किसी जुमले में बयान करते हैं, तो इट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. आई हैव अनदर डेफिनेशन ऑफ नाउन फ्रेज. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ नाउन एंड फंक्शनिंग इन अ सेंटेंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. यूजली नाउन फ्रेजेस आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. यानी सपोज के हम कोई क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं, जब उस क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं, तो उस आंसर में जो हम अपनी वर्डिंग यूज करते हैं आंसर करने के लिए, वो आंसर हमारे पास जो है वो नाउन फ्रेज होता है. तो हम नाउन फ्रेजेस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसको मजीद डिस्कस करेंगे. एग्जांपल, एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. तो इसमें हाईलाइट किया हुआ है अ यंग ट्रेडर को, मीन्स के ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन. ये जो अंडरलाइन की हुई है, इस जो स्टेटमेंट अंडरलाइन की हुई है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है. आगे हम इसकी मजीद एग्जांपल देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा इसका.
दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट. अगर हम इस आंसर का क्वेश्चन बनाते हैं तो आंसर क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज दिस. तो अगर व्हाट इज दिस, दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, तो हम ओल्ड फैशन हैट को एज आंसर यूज कर रहे हैं, तो इट इज आर नाउन फ्रेज. वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान. अब अगर हम इस आंसर का क्वेश्चन खुद से बनाते हैं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डिड वी डिस्कवर, व्हाट डिड वी डिस्कवर, वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान. आंसर जो है हमारे पास वो नाउन फ्रेज है. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स स्नो मैस. इसमें हमारे पास अ रोलिंग स्टोन जो है वो नाउन फ्रेज है. द रिसेंट फ्लड कास्ट हैवी डैमेज. हैवी डैमेज इज अ नाउन फ्रेज बिकॉज जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो व्हाट कास्ट रिसेंट फ्लड, यानी जो सैलाब आया वो किसकी वजह बना, तो हम जब हम आंसर में यूज कर रहे हैं हैवी डैमेज, तो हैवी डैमेज इज अ नाउन फ्रेज. एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका, व्हाट कैन बी इंटरेस्टिंग, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग. तो ओरल प्रेजेंटेशन इसमें हमारे पास आंसर है, इसलिए इट इज नाउन फ्रेज. सल्लम ब्रिंग टू द जुडिशियल सिस्टम ऑफ अरब, यानी अरब की जो अरब का जो अदालती निज़ाम था उसमें किस किस्म की असलाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाई. तो फ़र्ज करें इसमें मैं अपनी राय दे रही हूँ, मुझे ये एक्सप्रेशंस अपनी वर्डिंग में यूज़ करने हैं, तो मैं कैसे करूँगी. इट इज़ आस्क्ड अबाउट द जस्टिस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबाउट द रिफॉर्म ऑफ द अरब्स एंड आई हैव टू गिव माई आंसर एंड मेक इट एक्टिव. मुझे कैसे इसको एक्टिव बनाना है, कैसे इसको पावरफुल बनाना है. तो सपोज के मैं कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ से यूज़ करती हूँ, मैं मुझसे कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बारे में पूछ रहा है, मैं उसको अपनी राय देती हूँ. स्टूडेंट्स अब मैंने अपनी राय देनी है कि किस तरह हम एक्सप्रेशंस को अपनी बात में यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी. इन माई ओपिनियन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज जस्ट एंड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स फॉर ऑल मैनकाइंड एज आई हैव रेड in Islamic history that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam removed all the distinctions from the Arab and I hope one can safely say that no one could be more just and honest in his dealings. So these are some expressions I used to give my answer or to give my opinion and to share my knowledge according to the question. यानी ये कुछ expressions थे, different expression को मैंने एक ही बात में use किया, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बारे में बात की, लेकिन एक्सप्रेशंस डिफरेंट थे. वो इसलिए कि ताकि हमारी बात में जो है वो पावर हो, हमारी बात जो है वो एक्टिव हो, ताकि सुनने वाला हमारे नॉलेज का कन्विंस हो जाए. व्हाट मेजर्स शुड वी टेक टू ब्रिंग जस्टिस इन आर सोसाइटी. यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू सपोर्ट योर ओपिनियन विद रीजंस. यानी हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी मेजर्स हैं जो माशरे में इंसाफ लाने के लिए, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो किए जा सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल सम एक्सप्रेशंस आई विल यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक डिस्टिंक्शंस ऑफ रिच एंड पुअर शुड बी रिमूव्ड. नॉट ओनली दैट बट आई ऑल्सो थिंक दैट देयर शुड बी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस अबाउट द जस्टिस ऑफ द सोसाइटी. यानी सिर्फ ये नहीं कि हमने एक्सप्रेशन यूज किया, कोई एक एक्सप्रेशन यूज किया, बल्कि हमने एक ही पॉइंट में डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशंस को यूज़ किया और इससे हमारी बात में एक ताकत आई. ओके स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड नाउ यू आर एबल टू मेक योर कन्वर्सेशन मोर एक्टिव.